हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा भाई आज तैयार है ब्लॉग बनाने के लिए। आज हम ब्लॉग करने वाले हैं शुरू। हवा की आवाज़ तो सुनाई दे रही होगी क्योंकि राइड बहुत खतरनाक होने वाली है, क्योंकि बहुत हवा चल रही है इधर। बट हम तब भी आए राइडिंग करने सिर्फ आपके लिए। और आप बताएंगे सब कैसे हैं, घर पे सब बढ़िया? हमारे साथ बने रहे हैं। आज हम आपको घुमाने ले जा रहे हैं रियासी के रेलवे कॉन्ट्रैक्टर के उधर। रेलवे का जो कॉन्ट्रैक्ट है इधर रियासी में आया हुआ है, ये चीज़ हम आपको दिखाने ले जा रहे हैं। रेलवे का पुल बनने जा रहा है इधर, दुनिया का सबसे ऊंचा। आज हम चलते हैं उधर ही। वीडियो थोड़ी सी मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमें जल्दी जाना है, वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। और गाइस आप बताइए आपको कैसा कंटेंट चाहिए, आप मुझे बताएंगे, मुझे पता लगेगा क्योंकि मैंने फर्स्ट न्यू शुरू करी है। वैसे मैं हूँ दिल्ली से हूँ, बट इधर मेरे को भी जम्मू कश्मीर में रहते हुए हो गए 10 साल। मेरी पूरी उम्र ही इधर बीत गई है, लेकिन जो राइडिंग करते हुए मेरे को हो गया 10 टाइम। लेकिन मैं ब्लॉग व्लॉग नहीं बनाता था, ऐसी फ्रेंडों के साथ जाता था। बट मैंने जब से अमर बाजी से इंस्पायर हुआ तो मैंने किया है। गाइस आप देख ही सकते हैं मैं कैसी जगह बढ़ा हूँ। आपको कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ अंधेरा, क्योंकि टनल ही ऐसा। इधर एक लाइट भी नहीं है गाइस, एक लाइट जिसको बोलते हैं ना वो भी नहीं है। और मैं इसके लाइट जला रहा हूँ क्योंकि मेरा जो हेलमेट है वो फुल ब्लैक है, इसलिए हम गाड़ी फास्ट नहीं चला रहे क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है। गाइस देखो साउंड में टूटा गया। अच्छा हुआ मैंने स्लो चलाई, लेकिन फास्ट होती ना गाइस तो। गाइस छोड़ो, आप व्यू देखो गाइस, क्या व्यू आ रहा है टनल से निकलते हैं। तो गाइस यही चीज़ है, मैं आपको नई नई चीज़ देखने के लिए अपने भाई फिसान खान के साथ जुड़े रहना। मेरा यूट्यूब पे चैनल है सैफी साहब UP23 राइडर। प्लीज़ शेयर लाइक वीडियो ज़रूर करना, उस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर ऐसे नए नए कंटेंट देखने के लिए। अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना FizanKhan001, और मेरे साथ बने रहें नई नई चीज़ें देखने के लिए। अगर भाई मेरा भाई कोई अगर राइडर है, मेरे से मिलना चाहता है, मेरे साथ राइड करना चाहता है, मैं भी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता लगेगा कैसे करते हैं। बट अगर कोई मेरा फ्रेंड बनना चाहता है तो ऑफकोर्स रियासी में कभी भी आ सकता है। मेरा फ़ोन नंबर है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप मैसेज भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। अमित माजिद भाई से मैंने ये सब इंस्पायर होके किया, बट मैंने उनको DM भी किए थे, मैसेज भी किए, कमेंट भी किए, क्योंकि जहाँ से मेरा घर गाइस जम्मू में जहाँ मैं रहता था पहले, वहाँ पे अमित माजिद ने जहाँ से फर्स्ट आईफोन लिया था बस उसी के सामने मेरा घर था। लेकिन अमित माजिद को बोला मैंने, आप 2 बार आए हो मैं मिलना कुछ, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं था ही नहीं घर में, मेरे को पता ही नहीं था क्योंकि काम में बिजी रहते हैं। क्योंकि गाइस हमारे मेरे दोनों बड़े भाई हैं, दोनों इधर ठेकेदारी करते हैं कारपेंटर के काम की, तो गाइस उनका भी हाथ बटाने के लिए मैं भी इधर रहता हूँ। लेकिन शौक होता है, काम होता है। और गाइस जब से लॉकडाउन आया जब से तो मेरी पढ़ाई भी बर्बाद हो गई, क्योंकि पढ़ाई भी छोड़ दी फिर काम ही लग गया, काम ही कर रहा हूँ गाइस। वैसे मैंने 11th की 3 साल से एडमिशन ही कराई, लेकिन गाइस अब सोच रहा हूँ पक्का कराऊँगा एडमिशन करा के, फिर आपको इंजॉय भी कराएंगे, पढ़ाई भी चलेगी, एंटरटेनमेंट भी होगा और सब कुछ होगा गाइस। और आप बने रहे मेरे साथ, आज हम चलते हैं बस कुछ देर की और दूरी, फिर हम नहीं हैं कोई ज़्यादा दूर। और गाइस और आप बताएं कैसे हैं? बस हम पहुंचने वाले हैं कुछ दूरी के और बाद। लेकिन गाइस आप इधर कभी आओगे ना, इतना शानदार व्यू है, कैमरा जरूर लेके आना फोटो शूट के लिए, इससे बेस्ट जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब राइड मेरी आगे और भी होने वाली है। आप गाइस हवा देख सकते हो, हवा कितनी खतरनाक चल रही है इधर पहाड़ों पे। सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है, अगर आप हेलमेट पहन के माइक लगा के थे आपकी आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल ना के बराबर। मैंने भी माइक मंगाया हुआ है, 1000 रुपये का माइक मंगाया था, बट उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही गाइस, क्योंकि मेरे को ये अलग से रिकॉर्ड करके डालनी पड़ेगी, इसलिए रिकॉर्ड हो रही है गाइस। लेकिन जो नज़ारा होता है ना गाइस, नज़ारा जिसको कहते हैं ना जन्नत है पूरी। और हम आपको एक ऐसी भी जगह दिखाएंगे टनल, आप लद्दाख की बर्फ़ भूल जाओगे, राइड भूल जाओगे, इतनी बर्फ़ नहीं होगा वो 12 मौसम उधर से बर्फ़
एक कहते हैं ना एक टुकड़ा भी नहीं उतरता होगा उधर से, इतनी बर्फ रहती है उधर हर उसम उधर, मेरे को पता नहीं है क्योंकि बीच में गाइस कोई पेट्रोल पंप नहीं पड़ती, शॉर्ट रास्ते से आप जाओगे कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा आपको, वो नहीं है लॉन्ग टूर जाना है तब मिल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में आप एक बार टैंक फुल करा के उधर नहीं जा सकते, बहुत दूर है गाइस। अब हम बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर, कुछ पल की दूरी बस गाइस, लेकिन जो गाड़ी में मज़ा है ना गाइस वो किसी गाड़ी में फील नहीं आया इतना जितना इस गाड़ी में फील आता है जाने का, बट मैंने अभी सब कुछ ऑर्डर कर रखा है कैमरा वैमरा कुछ आया नहीं है गाइस, ये फोन से शूट करना पड़ रहा है, फ्रेंड को पीछे बैठा रहा है तो वो शूट कर ही जा रहा है और हम पालतू की बकवास नहीं गाइस चलते हैं कुछ पल की दूरी है ना, ए टू सेट फीचर है हर गाड़ी में, जिसमें एक राइडर को सारे मोड चाहिए होते हैं ना हर चीज़, अगर आपको कॉलिंग आ रही मैसेज आ रहा है आपको स्क्रीन पे दिखा देगा कोई कॉल कर रहा है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ए टू सेट सबसे पहले, तो इस बाइक ने जो फील किया ना इसी को मैंने इंस्पायर होकर एक दो बाइक देखी है, अपाची 160 स्पेशल एडिशन भी, वो भी हमारी एक हफ्ते के अंदर आने वाली है, उसकी भी वीडियो डाल दूंगा, बट मैंने स्क्रीन पर डाली गाइस जब तक मैं साथ ही बोलता गाइस हाल ही मेरे ना 1K कंप्लीट हो गए ना गाइस 1K, तब तक मैं फेस नहीं दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे, फैजान खान है मेरा, ऐसे तो इंस्टाग्राम पे देख सकते हो जाके, लेकिन वीडियो में आपको फेस नहीं दिखेगा जब तक आप 1K नहीं कराओगे अपने भाई के लिए, इतना नहीं करोगे भाई प्लीज़ करा दो आपका भाई पहुँचाएगा राइडिंग में, तो भाई एक टाइम ऐसा होगा दिल्ली में मैंने बहुत राइडर के साथ मिलना हुआ है, लेकिन इनके अंदर भी अलग से फेमस हो जाते हैं दिल्ली का वो पता नहीं रहता है, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे लिए तैयार है, जहाँ आप मीटिंग में होंगे जहाँ आपको लगे तुम्हारा भाई जरूर आएगा, अपने भाइयों के लिए इतने के लिए गाइड लेंगे शेयर वीडियो सोचने वाले रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। ये मैंने देख लिया है कहते ना नई नई चीज़ें अगर जाकर फर्स्ट है बकवास मतलब जो भी बन रहा है जैसा भी बन रहा है आपके लिए बार किया आप सबसे इस वीडियो शूट किया हमने इसे सेलेक्ट की है दिन तब जाके गाइस वीडियो बनती है ऐसे आसानी से नहीं बनती है और देखते हैं मज़ेदार भाई जब जिससे अपनी मैंने अपनी बाइक का नाम रखा हुआ स्पाइडर अगर आपके पास भी अच्छे तो मैंने इसका क्वालिटी इसकी स्पीडिंग सब चीज़ देख के मैंने इसका स्पाइडर, लेकिन अपने पास एक रियल स्पाइडर आने वाला है रेड एंड ब्लैक मैट ब्लैक कलर का गाइस, हम अपनी मंजिल के पहुँचते हुए ये देखिए गाइस रास्ते का जो मज़ा है ना, अगर सस्ते का मज़ा रास्ते में लेना हो ना तो गाइस नज़ारा इस जगह जरूर आइए जरूर, ऐसे सियाड़ बाबे भी जाने वाला हूँ मैं, फिर उसके बाद शिव कोड़ी की राइड पूरी करेंगे, अगर आप धीरे धीरे लाइक सब्सक्राइब डेली ब्लॉगिंग तो अभी गाइस शुरू में तो पॉसिबल नहीं, जब तक 1K कंप्लीट नहीं होते डेली ब्लॉगिंग नहीं कर सकते क्योंकि टाइम नहीं तो क्या बोलना है, बट ये भी होता है बहुत बात होती है, संडे ब्लॉग पक्का आएगा हफ्ते में एक दिन जरूर आई है डेली ब्लॉगिंग गाइस, ये भी आपसे बात आया लेकिन गाइस प्लीज तबाही पहुँचाने वाला भाई हर दिल्ली का राइडर चाहिए सारे राइडिंग, मैं एक चीज़ बताऊँगा इस दिल्ली के राइडर को एक टक्कर नहीं दे सकता, लेकिन एक बात बताऊँ तो पहाड़ के रास्ते हैं ना तो इधर की पहाड़ी पहाड़ी पे जिसने गाड़ी चलाई है ना उसको कोई टक्कर नहीं दे सकता, ये तो भाई साहब आप ये देखिए व्यू देखिए आप लद्दाख की क्या बताऊँ मैं आपको, देख रहा हूँ दूर से क्या दिखाना चाह रहा हूँ, देखो एक तो पहाड़ी भी है
उसके उस साइड है बर्फ वाली पहाड़ी, वो मैं आपको दिखाने बाद में। अभी हमने आपको दिखाया है दुनिया का सबसे पुल, अभी हम उससे 10 किलोमीटर दूर हैं मुझे लग रहा है, लेकिन बट 20 ही होगा क्योंकि पहाड़ी के रास्ते होते ऐसे दिखते पास है लेकिन होते गाइस बहुत दूर है। अब वहाँ हम चलते हुए हैं, यहाँ वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, फर्स्ट है लेकिन आहिस्ता से नहीं होगा, अपने भाई को माफ़ करिए। बट अब हम चलते हुए लोगों के रिएक्शन लेते हुए देख रहे हैं गाइज, एक गाड़ी गाड़ी की रुकी ऐसी ना गाइज, कुछ देखेगा उसकी साउंड क्वालिटी भी इतनी बेस्ट है ना, जब उसको बंदा फुल स्पीड चलाए ना बंदे देखते हैं कौन सी गाड़ी है ये, क्योंकि साउंड है ना गाइज इसमें, ये नहीं है जैसे आप अच्छी साउंड में चले चले चलता साउंड, इस टाइप की साउंड है। और मैंने गाइज इससे एक इसकी साउंड क्वालिटी के लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाई, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। गाइज मेरे साथ से 10, मैं ये नहीं कि बीच में से कट करके वीडियो बनाऊंगा, वो है शॉर्ट वीडियो गाइज पड़ रही है, बस गाइज आप देखते रहें बने रहें मेरे साथ, छोटे भाई और बड़े भाई के साथ जो भी आप कहें आपका होस्ट। चलते हैं फिर के, ओ ये अपना स्पाइडर कुछ ज़्यादा ही नहीं भाग रहे हैं क्योंकि पावर है भाई इसमें, पावर इसको बोलते हैं ना, RS भी आप भूल जाओगे इसके आगे RS के मतलब। एक एक चीज़ मैं ये टायर देखो 160 की बाइक है गाइस, ये 160 लेकिन टाइट 390 को मुकाबला देती है, लेकिन ये नहीं कि आप रेस लगा दो क्योंकि 390 सीसी है वो आगे निकलेगी, लेकिन जो गाइस एट ए टाइम मोड में फीचर में KTM को भी ऐसे छाड़ देती है अपनी मंजिल के, और चलते हैं चल रहा ही चलता चल गाना तो सुनाओ गाइस, वीडियो में जरूर मिलेगा सुनने के लिए, चाहे शॉर्ट भी मिले गाइस क्या। मैंने अब माइक लेके गया था, मेरी आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हुई है, फिर मैंने अलग से एडिटिंग करके बीच में आवाज़ डाली हुई है, तो थोड़ा सा फील आई राइडिंग में, वरना तो ऐसे होता है कि क्या वीडियो बनाई है तो आवाज़ साउंड की बिना तो गाइस कुछ भी नहीं है ना वीडियो, ये तो मानना पड़ेगा। मैंने देखी वीडियो को भी, ये सिर्फ हवा की आवाज़ आ रही है, सिर्फ हवा की और कुछ नहीं आ रही यहाँ मंजिल को छूते हुए। ये देखिए गाइस हम पहुँच गए जस्ट 5 मिनट और हम पहुँच गए बिल्कुल अपनी मंजिल की, और आपको शायद दिख गए हैं टावर ये गाइस, आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, ये राइट साइड पे ऊपर जो यहाँ ये लोग रहते हैं ना, ये रोड तो पूरा कंस्ट्रक्शन वालों ने बनाया है, इस ये रोड आगे जाके एक साइड हिसाब से बंद होता है, मगर बट जहाँ तक भी खुला हुआ हम वहाँ तक जाएंगे, ऐसी बात नहीं है आपकी नहीं आवाज़ आ रही क्योंकि ये जाएंगे गाइस बहुत तेज चलती है गाइज। अब तक मैंने बाइक ये वाली बाइक सारी मैंने 5 मिनट में चली है, 407 किलोमीटर चली है अभी तक, ये इसके दो जम्मू चक्कर लग चुके हैं, बाकी अभी तक चली गई है, मज़ा आया इसी को इंस्पायर हो गया इसके बराबर की बाइक चली है, 5-310 की हो गया हमारे पास उसके भी नाम से लेने जाएंगे हमारे बाइक की खुशी, बट एक इतना शेयर करो इस वीडियो को, भाई इतना शेयर करो गाइस, खाली 1K सब्सक्राइबर खाली 1K लाइक भी कोई ज़्यादा नहीं, 500 लाइक जाएंगे खाली 1, मेरी फैमिली 1K की हो जाए उनके लिए लेकिन आपका जैसे आपने देखा था बस ज़रा सी धूप बाइक चलती है ना, तो पहाड़ के रास्ते ऐसे ना आप जाओगे ना जैसे पहाड़ को देख रहे हो, अब ना उसके पास जाओगे ना मतलब आपको ऐसा लगेगा कि पहाड़ टूट गया, ऐसे मेरे को फील हो रहा है बड़ी दूर आ गई है, लेकिन आप ये बनता है ये
ये गाइस ये बात नहीं गाइस की मैं वो अपना पुल तो पीछे निकल गया रेड, लेकिन मैं आप लोग उसका एंड दिखाने वाला हूँ। एंड बहुत से होते होंगे कि फ्रंट दिखाया अच्छी लगी रही, उसका एंड भी दिखाऊंगा मैं कहाँ जाके रोड तब मैं रोड दिखाने के बाद वहाँ से टर्न लेके आएंगे, फिर हम आपको पूरी रिव्यू देंगे। अब गाइस हम पहुंचते हुए अपनी मंजिल की ओर। गाइस आप भी बोल रहे होंगे कहां से आ गया एक पकाने वाला, लेकिन गाइस माफी चाहूंगा, बस सेकंड में और अच्छा दूंगा गाइस, अपना परफॉर्मेंस और बढ़ेगा जैसे कहते हैं ना। ये इतनी वीडियो बना